दोस्तों, कभी क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कॉल किया और सामने वाला बोला, अरे मैं तो तुमको ही नंबर मिला रहा था? या फिर जब बहुत दिन हुए आपने किसी से बात नहीं की, पर एक दिन सुबह यकायक आपको उठते ही उस व्यक्ति का ख्याल आया और आपने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, समय निकालकर उससे बात करनी ही है। देर इज़ नो कंपल्शन, नोबडी इज़ आस्किंग यू टू डू दैट, नोबडी हैज़ रिमाइंडेड यू ऑफ दैट पर्सन, बट यू समहाउ फील एन इंटरनल अर्ज टू टॉक टू दैट पर्सन राइट देन राइट देयर, मे बी उस वक्त जब मीटिंग चल रही है, उस ब्रेक के दौरान, या कहीं भी आप हैं। ऐसा हुआ है कभी? पता नहीं ये कल्पना है या हकीकत कि हम इतनी खूबसूरती से कभी कभी एक ट्यूनिंग फोक बन जाते हैं, अगर सामने वाले के हालात से हम मानसिक रूप से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि हम ऑलमोस्ट उसकी फीलिंग्स को वाइब्रेट करने लगते हैं, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली। वो ओके है तो आप ओके हैं, अगर वो परेशान है तो आपको अपने आप भीतर से पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तकलीफ है और आज ज़रूर बात करना है। शायद ऐसा वहाँ होता है जहाँ हम शरीर से नहीं, दिल से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं किसी अपने के साथ। वो दोस्त हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, वो जिनसे भी आप बहुत अपनत्व महसूस करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा बेटा ट्रिप पे गया हुआ था और रात को जब मेरी उससे बात हुई, उसने मुझे बताया कि अगले दिन वो लोग हिल क्लाइंबिंग करने वाले हैं। एंड आई वॉज अ लिटिल एप्रिहेंसिव, यू नो, बींग अ मदर, आई ऑलवेज इमेजिन रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग टू माई चाइल्ड। दीज आर सर्टन इनहिबिशंस आई कांट रियली हेल्प, नो मदर कैन। तो रात को मेरी उससे बात हुई और मुझे सपने में दिखाई दिया कि वो हिल से गिरा है और ही हैज़ ब्रूज्ड हिज एल्बो, एंड आई ऑलमोस्ट डिस्टिंक्टली हर्ड दोज वर्ड्स, आह मॉम, दिस इज़ वॉट ही सेड इन माई ड्रीम। एंड आई वोक अप स्टार्टल्ड, आई वॉज सो वरीड, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आई ऑलवेज रिलाई अपॉन इन मोमेंट्स ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस, आई मैसेज्ड हर एंड आई आस्क्ड हर द मीनिंग ऑफ माई ड्रीम। Was my child in really some danger? And she assured me that there was nothing wrong about the dream. It was just my mind which was preoccupied about his safety concerns that I had that kind of a dream. But when my son got back and I told him, hugging him and crying, he told me that he did fall from that a little peak, he did fall from, and he had his elbow bruised the same day. What is it? Is it some magic? Is it imagination? Or it's love? I can't really name that. If you are a rationalist, you wouldn't believe me, because there are no scientific basis about certain things. It's just a kind of tuning in. It's a music. When the instrumentalist, when the musicians, when the singers come to a perfect harmony, what a beautiful tune created, right? When it can be possible in the field of music, why not in the field of human relationships? वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो उठती हैं जब आप किसी से दिल के तार जोड़ लेते हैं। मे बी आप सालों से उस व्यक्ति से बात नहीं की, अचानक सुबह उठकर आपको लगता है आज मुझे उस व्यक्ति से बात करना ही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलती है जब आप उससे बात करते हैं, आपको पता चलता है कि वो किसी इमोशनल नीड में था, आप उस वक्त उसके साथ नहीं थे। दुनिया की कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, जब हम उससे अपने आप को बहुत अच्छे से रेजोनेट कर लेते हैं, तब शायद हम कहेंगे कि हम एक एम्पैथ हो गए हैं। एम्पैथ वो लोग हैं जो यूनिवर्स का एक बहुत मीन्स कभी अलग ना होने वाला हिस्सा बन जाते हैं। जब वो दुनिया की तकलीफ, दर्द और परेशानी के साथ इस तरह वाइब्रेट करने लगते हैं, रेजोनेट करने लगते हैं, कि वो खुद को उसका एक हिस्सा मान लेते हैं, उनका दिल एक खुला कमरा हो जाता है, उनकी आँखों में मानो एक्सरे फिट हो गए हों, वो आपके दिल की बात यूं पढ़ लेते हैं और उन्हें आपके शब्दों से कोई सरोकार नहीं है, प्लीज़, वो आपकी खामोशी को भी सुन सकते हैं। ठीक है, हम सब बहुत एम्पैथ ना सही, हम एम्पैथ ना सही,
सबसे सबके दर्द से जुड़ने की हम में काबिलियत ना भी सही, पर फिर भी कुछ गिने चुने लोग हमारी दुनिया में ज़रूर होते हैं जिनसे एक खास किस्म का रिश्ता होता है, एक दिल का तार जुड़ा होता है। इट मे बी चाइल्ड, इट मे बी अ पेरेंट, इट माइट बी अ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, इट माइट बी अ फ्रेंड, एंड अबव ऑल इट माइट बी अ लवर और योर लाइफ पार्टनर, जिन्हें आपको किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं मैसेज करने के लिए। आप अंदर ही नंबर डायल करते हैं और भीतर ही पूछ लेते हैं, हे ऑल फाइन, और आपको खुद पता भी चल जाता है व्हेन ऑल इज़ नॉट फाइन। कई दिन बात ना हुई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने आपको कई बार कॉल किए हो पर आप बिज़ी रहे हो और कॉल बैक ना कर पाए हो, पर जिस मोमेंट आपको लगा कि हाँ आपको कॉल बैक करना था आपने नहीं किया, और अब आप सारे काम छोड़ के उसे फ़ोन कर रहे, और आपको पता चलता है कि हाँ ही रियली नीड्स यू राइट देन। इज़ इट नॉर्मल और इज़ इट पैरानॉर्मल? इज़ इट लॉजिकल और इट इज़ इलॉजिकल? आई डोंट नो बट इट्स अ ब्यूटिफुल ट्यूनिंग। एक सुर में वाइब्रेट करना, तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। जब कभी आप मुझे बताते हो कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत नेचुरल हैं और आपने अपने फ़ोन में उन्हें डाउनलोड किया है। ये क्या है? ये रेजोनेशन ही तो है। मैं जो बात कह रही हूँ उससे अगर आप सहमति रखते हैं, वही बात आपके मन में भी रिफ्लेक्ट होती है, तो आप रेजोनेट करते हैं। हम दोनों एक ही फ्रिक्वेंसी पे हैं। तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं, किसी और के मूड्स के साथ इस तरह वाइब्रेट करने लग पड़ना शायद थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि हम अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अब आप सामने वाले को ये तो नहीं कह सकते, हे प्लीज़ गैदर योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे सॉर्टेड आउट, बिकॉज इट्स ओनली व्हेन यू रिमेन हैप्पी आई रिमेन हैप्पी, बिकॉज माई हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन यू, डैम इट, सो बी हैप्पी। यू कैंट से दैट, कैन यू? जब मैं छोटी थी और मेरे पापा बाहर जॉब करते थे, वो 2-4 दिन के लिए आया करते थे और उसके बाद फिर 6 महीने के लिए कहीं गायब हो जाते थे। कोई ईमेल नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं, कोई पिक्चर एक्सचेंज नहीं, सिर्फ चिट्ठी लिखा कर सकती थी मैं उनको। लेकिन माँ को भी पता होता था और पापा को भी और मुझे खुद भी कि जिस रात पापा मुझे सोते हुए छोड़ के जाएंगे, अगले 3 दिन मैं बुखार में तपने वाली हूँ। क्या है ये? ये प्यार है, ये रेजोनेशन है। आप ट्यूनिंग फोक बन जाते हैं, आप रेजोनेट करने लगते हैं, और ये चीज़ मन के साथ साथ शरीर में भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। आपको पता है, जिन लोगों के घर एयरपोर्ट के पास होते हैं, उनकी खिड़कियाँ अक्सर एरोप्लेन की आवाज़ से और उस खतरनाक वाइब्रेशन से टूट जाती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं, तो थोड़ा सा खतरा भी है इस ट्यूनिंग फोक बनने के दौरान। सो बी केयरफुल। वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो बात कर लें तो बुझते चिराग जलते हैं। किसी से ऐसे जुड़ जाओ कि आप में और उसमें कोई फ़र्क ना रहे, आप कठपुतली बन जाओ। एम्पैथ होकर भी अपना वजूद बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी और के तूफान में हम ढेर हो जाएं, ऐसा भी तो ठीक नहीं होगा ना। मुश्किल है पर जायज़ है, लाजमी है, महफूज ना सही पर ज़िंदा रहने का भरपूर एहसास तो होना ही चाहिए। वाइब्रेटिंग इन समबडी एल्सस फ्रीक्वेंसी, व्हाट अ गिफ्ट इट इज़। फ्यू हैव इट, डू यू हैव इट?